Let's read the question. If sine theta equals to 1 by 3, then sec theta will be. So, which your question may given hai, one of the trigonometric ratio sine theta as 1 by 3. So, iske liye pehle right triangle construct kar lete hain. So, let this right triangle be A, B, C. Ab isme B point per right angle hai 90 degree aur C ko hum maan lete hain angle A, C, B ko ek one of the acute angle theta. सो बच्चों यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. इसकी वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3. तो बच्चों हम ए बी को मान सकते हैं के और हाइपोटेनस ए सी को मान सकते हैं थ्राइस के. अब जब हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें बी सी इक्वल्स टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर. तो बच्चों ए सी स्क्वायर होगा 9k² और ए बी स्क्वायर होगा k². तो यहाँ से हमें बी सी का मेजर मिल जाता है k√8 जिसको हम लिख सकते हैं k2√2. अब बच्चों हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है sec थीटा की. तो एज वी नो sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा. तो सिंपलर नोट पर हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे. cos थीटा इज द एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस. तो BC की वैल्यू मिली है हमें 2√2k. AC की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 3k. तो हमें cos थीटा का आंसर मिलेगा 2√2 डिवाइडेड बाय 3. हेंस बच्चों हमें sec थीटा का आंसर मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2√2. So correct answer is option C. Thank you.